भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल की 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा उनकी जयंती पर राष्ट्र को समर्पित की गई। इस अवसर पर पूरा देश रन फॉर यूनिटी मना रहा है। इसी क्रम में संगम शेयर प्रयागराज में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूबे के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी पहुंचे। मंत्री नंदी ने झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस दौड़ में मंत्री नंदी भी दौड़ते हुए दिखाई दिए। शहर के लोगों ने रन फॉर यूनिटी में जोर शोर से हिस्सा लिया। सम्मानित मंच को, मंच पर बैठे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अग्रज नेतागण, सामने बैठे हमारे मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और पार्टी के अलावा देश को नमन करने वाले, देश के प्रति इस देखिए भारत के महान सपूत जिन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संरचना की और इतनी सारी रियासतें थी उनको सबको एक किया, ऐसे महान सपूत की विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया, लोकार्पण किया। इस अवसर पर पूरे देश में लगभग सभी विधानसभाओं में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके रन फॉर यूनिटी, पूरा देश एकता के सूत्र में बंधे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो एक संदेश दिया था एकता का, वो धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आज हम ऐसे महान सपूत को याद कर रहे हैं, रन फॉर यूनिटी का आज मनाया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक एक गांव से मिट्टी और लोहा मंगा करके उस स्टैचू को बनाने का संकल्प लिया और आज वो स्टैचू बनकर के तैयार।